नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिल्ली पॉलिटेक्निक की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट जो हमारा है वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है और इसका कोड जो है CIV 402 एज पर सिलेबस जो सिलेबस ने दिया है उसके अनुसार से हम लोग आज देखेंगे। हम लोग जानेंगे कि बिल्डिंग क्या होता है। तो सबको पता है, जैसे कि पता है कि बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो बिल्डिंग हम लोग को क्या करता है कि एक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि आपका जस्ट लाइक ए सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि प्लिंथ और फाउंडेशन वगैरह आते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर में जितने भी आपका फाउंडेशन और इसके अलावा जो भी पार्ट्स आते हैं सब आपका बिल्डिंग में आते हैं। और ये जब सब मिलकर एक हमको बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग प्रोवाइड से हम लोग को एक ये फायदा होता है कि बिल्डिंग जो हमको इंक्लोज्ड एरिया प्रोवाइड करता है ताकि सेफ्टी, इंक्लोज्ड एरिया सब प्रोवाइड करता है ताकि एक दूसरे से बैरियर बना देता है। साथ ही साथ हमको हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका आपका सन से, यानी कि जो सूरज की गर्मी से, सन से, रे से, और ठंडों के दिनों में कोल्ड से, और गर्मियों के दिनों में आपका गर्मी से, ये सब सारे कुछ हमको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमारे प्रोटेक्शन के काम में भी आता है, जैसे कि आपका चूरों से बचाता है और आपका फायर प्रोटेक्शन के भी काम आते हैं। जैसे कि हम जो सामान मटेरियल जो भी घर पर रखे हैं, जो सामान में हम रखे हैं, लोग अगर कहीं भी अचानक से कहीं आग लग जाता है तो ये फायर प्रोटेक्शन का भी काम हमारे बिल्डिंग करता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आप जानते हैं कि ये साथ ही साथ जो बिल्डिंग हमारा क्या करता है, लैंड के ऊपर में एक इंक्लोज्ड एरिया प्रोवाइड कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग का एग्जांपल्स वगैरह है, जैसे कि हाउस है आपका, फैक्ट्रीज वगैरह है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये सारे कुछ हमारे जो आते हैं सब बिल्डिंग्स में आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो किस बेस्ड पे किया गया है उसके बारे में आज जानेंगे। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 2005 के अकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग को 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग, जो एजुकेशन पर्पस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको एजुकेशनल बोलते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग होता है जो हम लोग एजुकेशन पर्पस के साथ साथ उसमें कुछ और भी काम करते हैं उसको हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बारे में, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग थर्ड नंबर जो होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो आपका एजुकेशन के साथ ही साथ और भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग क्या होता है कि जहाँ पर सभाएं लगती हैं उसको हम लोग असेंबली लगाया जाता है, क्लब वगैरह, क्लब फैक्ट्री क्लब वगैरह जहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका ड्रामा वगैरह, मूवी हॉल, सिनेमा हॉल, ये सब वगैरह में जहाँ पर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका असेंबली बिल्डिंग। फिर है आपका बिजनेस बिल्डिंग, जो बिजनेस पर्पस पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। मार्केंटाइल बिल्डिंग क्या होता है कि जो मार्केट पर्पस पे हम लोग जो भी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्केंटाइल बिल्डिंग, ठीक है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, सात नंबर में आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो इंडस्ट्री पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह बसाते हैं या फिर आपका कोई प्लांट्स वगैरह बैठाते हैं, ठीक है, वो सबको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग।
फिर आपका स्टोरेज बिल्डिंग है। स्टोरेज बिल्डिंग में आप जान मतलब आपको पता होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं वो एक जगह पर पहले स्टोर होता है, फिर वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपका जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो हम लोग के बाय रिटेलर के द्वारा हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह जो स्टोरेज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आपका टाइप है, डिफरेंट उसमें भी आपका जानेंगे कि क्या क्या आपका स्टोरेज बिल्डिंग हम लोग कैसे देखे हैं, स्टोरेज बिल्डिंग होता क्या है जनरली, इसके बारे में जानेंगे। फिर आपको लास्ट है हजार्डस बिल्डिंग। हजार्डस बिल्डिंग क्या होता है, हजार्डस बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। हजार्डस बिल्डिंग नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जो भी हाईली एक्सप्लोसिव और पॉइजन और एसिड, ये सब जो नाम है इसको इसके जो हम लोग रखते हैं, इसको रखने के लिए जो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिस जिस प्लेस का, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस बिल्डिंग। वो क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी गैसेस वगैरह होगा, मिथाइल ओरेंज वगैरह होगा, तो ये सब क्या होगा कि अगर वो कहीं से लीकेज वगैरह होगा तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के लिए, और भी जैसे फिर आपका केमिकल वगैरह एसिड वगैरह होगा, तो एसिड वगैरह अगर आप भी जानते हैं कि एसिड से क्या होगा कि नॉर्मली एसिड अगर कहीं किसी कोई उसको बाहर कहीं रखा हुआ है और कोई छेड़ गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ के लोगों को, जिसके कारण से उसको हम लोग उस बिल्ड उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसका दीवार भी बहुत मजबूत बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि केमिकल से कोई रिएक्शन ना हो, मिथाइल ऑरेंज वगैरह से कोई आपका एक उसमें रिएक्शन ना हो। जो दीवार बनाया जाता है उसको बहुत ही अच्छे और मजबूत तरीके से बनाया जाता है, और बहुत सारे उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको उस बिल्डिंग को बनाया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में क्या होता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप भी जानते हैं क्या होता है कि जो रहने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप लोग जानते हैं कि उस जो सोने के लिए यानी कि स्लीपिंग एकोमोडेशन के लिए उस पर्पस के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ आपका डाइनिंग के लिए और भी डाइनिंग फैसिलिटीज वगैरह उसमें रहेगा, फिर कुकिंग फैसिलिटीज वगैरह का, फिर बाथरूम वगैरह का फैसिलिटी जिसमें हो वो हम लोग को रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाता है। साथ ही साथ सिंगल फैमिली जो डवेल है, डिवेलिंग जो होता है सिंगल फैमिली डिवेलिंग, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका सिंगल फैमिली के लिए क्या होता है कि उसमें हम लोग 15% से ज्यादा उस घर में, किसी भी घर में हम लोग देखे होंगे महम माँ पिताजी सब मिलाकर हम लोग 4 से 5, 7, 8, 9 मैक्सिमम 10, 12 तक रहते हैं। इसीलिए पहले से इंडियन नेशनल आपका जो कोड जो बोला है, ठीक है, जो बिल्डिंग कोड जो बताया है उसमें से कहा जाता है कि जो आपका 15% से ज्यादा आपके घर में नहीं होना चाहिए, जो मतलब 15% तक उसमें काउंटेबल है कि 15% तक जो हम लोग गिनती में आता है वो हम लोग का सिंपल सिंगल फैमिली ड्यूअल सिंगल फैमिली बिल्डिंग में आता है। ठीक है, फिर टू फैमिली ड्यूअलिंग, तो टू फैमिली जो होता है उसमें क्या होता है कि जो स्लीपिंग एकोमोडेशन वगैरह होता है जो उसमें 15 था सिंगल में, इसमें क्या होगा ये आपका बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। साथ ही साथ 20% इसमें हम लोग रहते हैं, 20% के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, और 20% से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। अगर इस बिल्डिंग को हम लोग कभी कभी रेंट पे प्रोवाइड करते हैं तो रेंट पे जब प्रोवाइड करते हैं तो उस दौरान में हम लोग 3 ठीक है नॉट मोर देन 3% 3% से ज्यादा हम लोग उस में हम लोग रहने का उन लोग को अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपका कोड बोलता है, जो आपका बिल्डिंग कोड है उसमें से आपका बोला गया है। फिर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वगैरह भी आप जानते हैं क्या होता है कि फ्लैट्स किसको कहते हैं, फ्लैट्स हैं अपार्टमेंट्स किसको कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखे होंगे कि 2 से भी 3, 4 ये सब क्या होता है फ्लैट्स वगैरह में काउंटेबल होता है।
अपार्टमेंट्स क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इस तरह का थ्री बिल्डिंग ऐसे, मतलब इस तरह थ्री स्टोरेज इस तरह से चार स्टोरेज कर करके एक जगह पर जहाँ पर हो उसको हम लोग बोलते हैं अपार्टमेंट। उस वहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रहता है सभी को जोड़कर हम लोग उसको अपार्टमेंट कहते हैं। साथ ही साथ इसमें मेस काउंटेबल होगा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही आप भी जानते हैं कि जहाँ पर मेस वगैरह होता है मेस उसको हम लोग बोलते हैं। फिर बोर्डिंग हाउस, ठीक है, बोर्डिंग हाउस मतलब कि जहाँ पर बच्चे लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बच्चे लोग रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल टाइप, बोर्डिंग स्कूल के जो बच्चे होते हैं एक प्लेस पर रखते हैं, उसको भी हम लोग रेसिडेंशियल में भी काउंटेबल करते हैं। फिर डॉर्मेटरीज एंड होटल्स वगैरह में क्या होता है कि नॉर्मल ये सब जो आपका है इसमें क्या होगा, ये सिंगल पर्सन यानी कि जो भी इसका मालिक होगा वो सिंगल पर्सन होगा और उसके अकॉर्डिंग में ये लोग आपका हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम इसको लॉजिंग मतलब आपका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपका होटल्स होटल्स वगैरह में क्या है कि हम लोग उसमें देखे हैं कि वो एक उसमें आपका जो किचन वगैरह बहुत एक ही प्लेस पर रहता है और उसका मालिक भी एक होता है और डिफरेंट डिफरेंट लोग वहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसको हम लोग उसको भी हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही अलाउ करते हैं। अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट जानते हैं। पहले आते हैं आपका जो वन और टू फैमिली जो प्राइवेट बिल्डिंग है, जो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते थे कि पहला उसको हम लोग रेंट पे जो देते हैं वो स्लीपिंग अकोमोडेशन के लिए 20% होता है। साथ ही साथ जो हम लोग जानते हैं कि वो रेंट पे हम जब भी उसको देंगे वो 3% यानी कि तीन से कम को देंगे, ज्यादा को नहीं देंगे, ठीक है, उसको रेंट पे जो प्रोवाइड करते हैं उसको देंगे। तो वो टू और इसके फैमिली मतलब इसके इसका जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें क्या होता है, डिटेस्ट हाउस, पहला है डिटेस्ट हाउस, दूसरा है सेमी डिटेस्ट हाउस, तीसरा है रॉ ऑफ हाउस और तीसरा अपार्टमेंट ऑफ फ्लैट्स, डुप्लेक्स टाइप ऑफ अपार्टमेंट, फिर स्काई स्क्रेपर्स आपका छठा है। तो आप जानेंगे इसके बारे में, देखेंगे कि पहला के बारे में जानेंगे कि आपका डिटेस्ट हाउस किसको बोलते हैं। डिटेस्ड हाउस वो हाउस होता है कि जिसमें आपके जैसे एक ये मेरा एक घर है, ठीक है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर में मेरा ये जो पार्टीशन है, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ये मेरा छोटा सा ये मेरा एक एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इंडिविजुअल ये सिंगल मेरा हाउस है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटेच्ड हाउस, ठीक है। डिटेच्ड हाउस में जो आपका किचन, बाथरूम, आपका सैनिटेरिया, बेडरूम, आपका बरामदा, ये सब कुछ इसी में आपका रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो चारों तरफ से जो एरिया प्रोवाइड होगा, ये जो आपका प्लेन और खाली सरफेस आपके जो अति होगा बाउंड्री वॉल के अंदर में ये आपका होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिटेच्ड हाउस, ठीक है। तो डिटेच्ड हाउस समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। फिर आ रही है आप सेमी डिटेच्ड हाउस, सेमी डिटेच्ड हाउस किसको कहते हैं और सेमी हाउस डिटेच्ड में क्या होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि आपका सिंगल डिटेच्ड हाउस में क्या होता है कि सिंगल होता है, आपके अंदर में जो आपका अपार्टमेंट होगा या फिर जो आपका जो हाउस होगा वो सिंगल आपका सिंगल पर्सन का वो हाउस होगा, ठीक है। सेमी डिटेच्ड हाउस में आपका जो इसके दो पार्ट में रहेगा, ठीक है, दो पार्ट में दो हाउस हो गया, एक और दो, दो हाउस इसको डिवाइड कर देंगे दो हाउस में। साथ ही साथ अब क्या करेंगे कि इसका जो आपका कॉमन जो आपका बनेगा, जैसे कि आपका किचन, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, आपका पाइपलाइंस, ड्रेनेज, ये सब सारे जो बाथरूम्स, किचन, ये सब जो फैसिलिटीज में जो होगा, ठीक है, यानी कि जो दो रूम हम बनाए यहाँ पर, दोनों रूम का जो बीच का जो पार्टीशन में क्या होगा कि दोनों सब दोनों मिलकर इसको हम लोग
वो दोनों मिलकर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी डिटेच हाउस। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट जो है आपका कि आ रहा है कि रो ऑफ हाउस। तो रो ऑफ हाउस नाम सुनते ही पता चल रहा है कि आपका एक रो का बात किया जा रहा है, कि एक रो में पूरा घर बना हुआ होगा। ऐसा ऐसा जो घर बनता है वो ज्यादातर आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ दिनों के लिए टेम्पररी हाउसेस के लिए बनाया जाता है। आप बहुत सारे जैसे कि आपका कहीं आपका किल्स वगैरह होता है, आपका जहाँ पर ईटा भट्टी में किल्स वगैरह में क्या होता है कि उसको जब ईटा को पकाया जाता है तो उस दौरान में जो लेबर्स वगैरह रहते हैं उस लेबर्स को रहने के लिए वहाँ पर एक रो हाउस का निर्माण किया जाता है। रो हाउस में सिंपली क्या होता है कि एक सिंपल एक इस तरह से एक रहेगा और साथ ही साथ बीच बीच में उसे एक पार्टीशन कर दिया जाएगा और उसको एक रो की तरह हम लोग बनाकर उसको दे देते हैं और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि ये मेरा रो हाउस है, मतलब उसको उसमें रहने के लिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो रो हाउस में हम जानते हैं कि उसमें ज़्यादातर लेबर लोग ही रहते हैं और उस लेबर लोग में रो हाउस में क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई किचन का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं रहता है उस रो हाउस में। साथ ही साथ आपका कोई बाथरूम वगैरह नहीं रहता है, ये कॉमन सा बाथरूम कहीं और जाकर जाना पड़ता है, किचन के लिए कहीं और खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। इस सब में कोई फैसिलिटी किचन और बाथरूम वगैरह का इस सब में कोई फैसिलिटीज वगैरह इसमें नहीं रहता है। ठीक है, ये कॉमन सैनिटेरियाज वगैरह इसमें बनाया जाता है। ये सिंपल एक एक पार्टीशन के तौर पे इसको आपका रो वाइज से हाउस आपका बनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका अपार्टमेंट और फ्लैट्स। अपार्टमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि 3 फ्लोर टू 7, 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम 10 तक जाते हैं, 3 to 10 स्टोरेज तक आपका जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपका सारा फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगा, जैसे कि आपका स्लीपिंग एकोमोडेशन, आपका डाइनिंग फैसिलिटीज, आपका बाथरूम्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटीज का सारे फैसिलिटीज वगैरह उसमें आपका प्रोवाइड रहेगा, जैसे लिफ्ट वगैरह ये सब सारा कुछ उसमें प्रोवाइड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अपार्टमेंट। फिर आ जाइए नेक्स्ट आपका जो है वो है डुप्लेक्स टाइप ऑफ अपार्टमेंट। तो डुप्लेक्स टाइप ऑफ अपार्टमेंट में आप जानते हैं कि डुप्लेक्स टाइप क्या होता है कि सिंपली जो हम लोग घर जो बनाते हैं वो 2 स्टोरेज से 3 स्टोरेज बिल्डिंग का होता है और ये आपका इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह का मिलाकर उसमें बहुत सारे डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है और बहुत सारे डिजाइनिंग के साथ साथ इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस के लिए बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि इसमें जो उसमें जो रहते हैं उनको मतलब कि वो अपना फैसिलिटी के अपने अनुसार वो अपने उसको जितना डिजाइन करते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं सारा फैसिलिटी अवेलेबल होगा, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल, आपका किचन, आपका फैसिलिटीज, आपका डाइनिंग फैसिलिटीज, आपका एक हॉल, फिर मीटिंग हॉल, ये सब सारा कुछ उस डुप्लेक्स में ही सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होगा और उस डुप्लेक्स अपार्टमेंट को हम लोग और उसी को हम लोग डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स कहते हैं। 2 फ्लोर तक रहता है, ये स्टैंडर्ड टाइप का इसको बनाया जाता है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का बनाया जाता है और ये स्टैंडर्ड लोग ही इसका ज़्यादातर बनाकर रहते हैं। आप भी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा कि बहुत खूबसूरत घर लग रहा है, वो डुप्लेक्स में ही आता है और बहुत उसमें जो बनाया जाता है कॉस्टली बनता है। फिर आज ये नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर क्या होता है कि जैसे कि आप जाने अपार्टमेंट और फ्लैट्स वगैरह में जानेंगे क्या होता है, साथ ही साथ स्काई स्क्रैपर भी बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता रहता है, लेकिन बिल्कुल इसका जो आपका स्टोरेज मतलब इसका तल्ला का जो स्थिति होता है मतलब तल्ला जो उसमें होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मान के चलिए कि आपका 150 तल्ला आपका तो 200 तल्ला जैसे कि बुर्ज खलीफा अगर आप नाम सुने होंगे, आप उसको देखे होंगे मतलब उसके कहीं तस्वीर देखे होंगे, तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये इतने ऊंचे ऊंचे इमारत जो बनते हैं उसको जो गगनचुंबी यानी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, स्काई स्क्रैपर्स के नाम से पता ही चल रहा है ये गगनचुंबी यानी कि आसमान को छूने वाला इसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाइए नेक्स्ट
अब आज ये ग्रुप बी, जैसा कि आप हमको बताए थे कि आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कंप्लीट हो गया, ग्रुप बी पे आपका एजुकेशनल बिल्डिंग आ रहा, तो एजुकेशनल बिल्डिंग में आप जान रहे हैं कि आपका जो एजुकेशन पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। जैसे कि आपका एजुकेशनल बिल्डिंग में आपका आता है स्कूल्स, यानी सेकेंडरी हाई लेवल तक फैसिलिटीज वगैरह जो एजुकेशनल पर्पस पे इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल्स वगैरह होता है और कॉलेजेस, यानी कि जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपको फैसिलिटीज फॉर द ट्रेनिंग, यानी कि जो आईटीआई कॉलेज या फिर आपका कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह जहाँ पर आपका मतलब वर्कशॉप वगैरह है, या फिर आप जो ऐसा प्लेस जहाँ पर आप जो है लैब है उस वहाँ पर हम लोग उसको उस पर्पस उस बिल्डिंग को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग करते हैं कहते हैं। साथ ही साथ एवर द सेकेंडरी लेवल इसमें पास मतलब सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी कि हायर लेवल एवर द सेकेंडरी लेवल, यानी कि दोनों में, यानी कि आप जानते हैं कि कोई 10+2 10 10 के आपका इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एवर द सेकेंडरी लेवल। ठीक है, और प्री स्कूल फैसिलिटीज में जानते हैं कि छोटे बच्चे जहाँ पर आपका आते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के फिर डेली आप चले जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डे केयर सेंटर, जिसको हम लोग कह भी सकते हैं। जैसे कि प्री स्कूल जो आप बोल रहे हैं, प्री स्कूल फैसिलिटीज जो हो रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपका डेली केयर सेंटर। जैसे कि डेली आप आएंगे और यहाँ पर आप कुछ समय वक्त देंगे और देने के बाद वहाँ से कुछ शिक्षा अध्ययन करेंगे और वहाँ से फिर आप रिटर्न अपने प्लेस को रेसिडेंशियल पर चले जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग में आप जानते हैं कि ये आपका ओपन जो रहता है, आपका सुबह में आपका 10 बजे के आसपास खुल जाता है और 4 और 5 बजे के आसपास बंद हो जाता है कॉलेज स्कूल्स वगैरह। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो टाइम होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल जो करते हैं आपका 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटा, यानी मैक्सिमम जो 8 घंटा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस पर्पस पे हम लोग जो बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। जैसे जस्ट लाइक एक स्कूल कॉलेज, ठीक है, आपका डेली केयर सेंटर्स वगैरह, वहाँ पर हम लोग जो आ जाते हैं और वहाँ से एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग वहाँ से यूटिलाइज एजुकेशन को लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग चले आते हैं। वो 8 घंटा के बाद वो ऑटोमेटिक उस प्लेस को सब बंद कर देता है फिर चले आते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज वगैरह में होता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आपका क्या लिख रहा है कि मेडिकल इंस्टीट्यूटमेंट्स सफर फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल इलनेस डिजीज एज पर्सन। ठीक है, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग देखे हैं कि ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मेडिकल मेंटल पर्सन और आपका जो बीमार व्यक्ति है, बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में आपका जाता है। तो हॉस्पिटल्स के बारे में आप जानते हैं कि ये आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में। इंस्टीट्यूशनल में कैसे आएगा कि जैसे कि आप बच्चे वहाँ पर जितने भी आपका कहते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं और साथ ही साथ पढ़ने के बाद वो 24 आवर के लिए वो खुला हुआ होता है, कोई ना कोई नर्स डॉक्टर 24 आवर के लिए उस जगह पर अवेलेबल होते हैं, यानी कि वो एजुकेशन पर्पस की बिल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग उसी एजुकेशन बिल्डिंग को कहते हैं जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे मतलब कि वो 8 घंटा से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बिल्डिंग को हम लोग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम पर जाएंगे। साथ ही साथ आपका इसमें से हम लोग कुछ शिक्षाएं अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि जो आप पे बच्चा पे रिसर्च किया जा रहा है, जो डॉक्टर मरीज है उसके ऊपर में बहुत सारा रिसर्च चलता है कि आज इसको ये आपका इस प्लेस पे जैसे हाथ पैर का में क्यों पेन हो रहा है, किस तरह से मेंटल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सर में क्यों दर्द हो रहा है, इस पर रिसर्च वगैरह चलता रहता है। इस फैसिलिटी
इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूटल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूटल बिल्डिंग में आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जानते हैं ये आपका जो 24 आवर के लिए चलता है, साथ ही साथ सैनिटेरियाज वगैरह में भी आता है ऐसे में। अब आप आज ये कस्टडल है, तो कस्टडल क्या होता है? कस्टडल में हम लोग जानते हैं कि इसमें ऐसा प्लेस जहां पर लोग यही रहते हैं, ठीक है, और इसको कैसे कहते हैं कि हाँ, जैसे कि आपका चाइल्ड के लिए, आपका चाइल्ड के लिए ताकि बच्चों का जैसे कि अनाथालय, वृद्धा आश्रम, ठीक है, इस तरह का जो फैसिलिटी होता है उसको हम लोग कस्टडल कहते हैं, ठीक है। कस्टडल के लिए हम लोग जानते हैं कि कस्टडल में क्या होता है कि उस फैसिलिटी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपका जो पर्सन, यानी कि जो आपका है, जो रहने वाला पर्सन है, वो वही रहता है, जैसे कि उसका कहीं घर द्वार नहीं होता, वो रेसिडेंसियल में काउंटेबल नहीं होता है। इस पर्सन, इस प्लेस पर कोई भी व्यक्ति आता है और वहाँ पर रह सकता है, यानी कि जो आपका जैसे वृद्धा आश्रम है, आपका उम्र एज हो गया है, आप उस प्लेस पर रह सकते हैं। जैसे अनाथालय है जहाँ पर आप बच्चे लोग को छोड़ के बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उस बच्चे को फिर वहाँ पर पालन पोषण होता है, ठीक है। तो ये सब प्लेस जो है कस्टडल में काउंटेबल आता है। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए पैनल। पैनल के बारे में आप जानते हैं ये होंगे कि इसको पैनल क्यों कहा जाता है। तो पैनल में दो एग्जांपल हम सिंपली तरीके से अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन सिंपली हम दो एग्जांपल देते हैं। पहला पैनल में क्या होता है कि हम लोग इसके जो इमारत बनाए जाते हैं बहुत ही मजबूत और बहुत ही आपका अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और ऊंचे ऊंचे तक बनाए जाते हैं, यानी कि पैनल का मतलब ही पता चल रहा है, सुन के ही लग रहा है कि ये जेल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो जेल के बारे में और मेंटल हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि फिजिकली और मेंटली जो इनल्स डिजीज वगैरह होगा तो ये इसके लिए, ये इसके अंदर में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में आएगा। तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में आप जानते हैं पैनल, तो पैनल में क्या होता है कि इसको हम लोग जेल के लिए कहते हैं कि उसका दीवारें ऊंचा ऊंचा हो सकता, ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है, सिंगल सिंगल लोग को एक में दो, एक में एक, इसमें इस तरह से जैसे आपका जिस पर्सन का आपका जिस तरह का रहेगा उस तरह से उसमें उसको प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ उसको रखा जाता है। मेंटल में भी आप जानते हैं कि मेंटल में एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ताकि वो एक दूसरे से मेंटल है वो आप जानते हैं कि आपस में झगड़ेंगे, कोई अपने आप को क्षति पहुंचाएंगे। इसी तरह आपका जेल में भी सेम कंडीशन होता है, वो पैनल इंस्टीट्यूट में ही आपका आता है, और साथ ही साथ इस पर निगरानी किया जाता है, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड दोनों पे रहता है, यानी कि कोई चोर ना भाग जाए, कोई मेंटल पेशेंट किसी के क्षति ना पहुंचा दे, किसी को तोड़ ना दे, किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, ये फैसिलिटी उसमें रहता है। ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर में आपका आता है। अब आ जाइए असेंबली बिल्डिंग। तो असेंबली बिल्डिंग क्या होता है? तो असेंबली बिल्डिंग में क्या होता है कि जहां पर हम लोग सभाएं लगाते हैं और जहाँ पर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, और साथ ही साथ उस जगह पर हम लोग कुछ देर के लिए इकट्ठा होते हैं और चले जाते हैं, यानी कि असेंबली बिल्डिंग वो किसी सिंगल पर्सन के अंदर का होता है, ठीक है। यहाँ पर डाइनिंग फैसिलिटीज वगैरह और ये सब फैसिलिटीज नहीं होता है, ओनली बाथरूम फैसिलिटीज वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें स्नैक्स वगैरह का थोड़ा बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि अगर ये इसमें असेंबली जब लगेगा तो उस दौरान में लोग कितना देर वहाँ पर रुकेंगे इसका कोई काउंटेबल टाइम नहीं होता है। वो हो सकता है कि वो 10 मिनट में कोई आपका वर्क खत्म हो जाए, कोई आपका लगातार दो दिन तक चलता रहे, उस तरह से आपका असेंबली बिल्डिंग में चलता रहता है। तो असेंबली बिल्डिंग में आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या होते हैं, जैसे थिएटर, जैसे वहाँ पर थिएटर में हम लोग जाते हैं, थिएटर में देखते हैं, बैठते हैं कुछ देर के लिए, 3 घंटा 4 घंटा आप जो भी उसका शोल्स वगैरह है, आप उतना देर वहाँ पर आप टाइम एक्सपेंड किए, फिर वहाँ से आप चले आए। साथ ही साथ असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में कहीं पर आप गए, मीटिंग हुआ, मीटिंग असेंबल लगा, असेंबली लगा, वहाँ पर मीटिंग गए, वहाँ से चले आए, फिर वहाँ से फिर हम लोग चले आए। फिर ड्रामा थिएटर, जब ड्रामा थिएटर मतलब क्या कि जहाँ पर आप गए कुछ ड्रामा वहाँ चल रहा है,
रात का 10 बजे तक 11 बजे तक ड्रामा चलेगी, फिर उसका ड्रामा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, सब यहाँ पे अपने आपका रेसिडेंशियल पे चले जाएंगे। फिर आपका ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम्स और म्यूजियम। ऑडिटोरियम में क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि इस प्लेस पे बहुत सारे वहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह, मतलब वहाँ पर लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह चलता है, फिर वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। म्यूजियम के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं कुछ देर के लिए, वहाँ पर अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर जो भी है म्यूजियम में आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है उस हिसाब से वहाँ करके फिर आप रिटर्न चले जाते हैं। साथ ही साथ एक्सिबिशन हॉल्स क्या होता है कि जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगता है। आप भी सुने होंगे कि अपने स्कूलों में आपके बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होगा जहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, मतलब कि आप अपने तरीके से कुछ आप अपने मतलब कि अपने लाइफ में कुछ इन्वेंट किए हो, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाए हो, या फिर कुछ अपने लाइफ का कुछ इम्पोर्टेंस दिए हो, और उस प्लेस को हम लोग क्या करते हैं फिर वो एग्जीबिशन हॉल्स में ले जाकर वहाँ पर हम लोग लगाते हैं। लगाने के बाद वहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आते हैं, उस वहाँ पर सवाल जवाब होता है, और उनको जैसा लगता है कि हाँ ये देश की मतलब ये अब जो कुछ नया क्रिएट मतलब नया उसके अंदर में क्रिएटिविटी दिख रहा है, कुछ नया वो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं कि हाँ अब आपका ये वहाँ पर जो दिखाते हैं उसको हम लोग एक्सिबिशन हॉल बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रेसिडेंशियल रेस्टोरेंट्स में। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आपका असेंबली में ही आता है, लोग यहाँ आते हैं ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ देर के लिए मीटिंग वगैरह करते हैं, कुछ नाश्ता पानी कुछ भोजन वगैरह करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। पर प्लेस ऑफ वर्कशिप, ठीक है, वर्कशिप ऐसा प्लेस जहाँ पर कुछ काम किए, काम करके फिर वहाँ से रिटर्न हम चले गए उसको हम लोग बोलते हैं वर्कशिप। फिर डांस एंड म्यूजिक, ठीक है, डांस हाउसेस जहाँ पर डांस वगैरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका असेंबली में ही ये काउंटेबल होता है। डांस हाउसेस, क्लब्स हाउसेस, क्लब जहाँ पर लगते हैं और आपका ये असेंबली में आता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम, जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, आपका फुटबॉल टूर्नामेंट, ओलंपिक, ये सब जितने भी सारे हैं ये सारे कुछ जो स्पोर्ट्स में आते हैं वो सारे स्पोर्ट्स वगैरह जो भी स्टेडियम्स आएंगे वो सारे कुछ आएंगे असेंबली में। ठीक है, असेंबली को भी आपका डिफरेंट 5 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, वो पहला टाइप है, उसमें नाम नहीं है, सिर्फ सिंपली टाइप्स दिया गया। टाइप 1 में है कि अगर कोई जिसका जो सीट होगा यानी कि जो पर्सन वहाँ पर आएंगे और बैठेंगे और वहाँ पर जो भी असेंबली में भाग लेंगे उसमें से 1000 से अधिक और 1000 तक लोग जो भाग लेते हैं वो असेंबली 1 में आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जैसे कि आपका ये स्टेडियम वगैरह से हो सकता है कि यहाँ पर लोग आते हैं और आने के बाद वहाँ पर 1000 से ज़्यादा 10,000 15,000 स्टेडियम में आते हैं लोग, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, बैडमिंटन, ये सब सारे कुछ देखते हैं, ये मतलब स्पोर्ट्स स्टेडियम में आते हैं और जाते हैं, तो उसको हम लोग सी मतलब उसका जो सीट जो 1000 से अधिक है उसको हम लोग बोलते हैं D1 में उसको काउंटेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड जो आपका दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसी में हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ आपका आ जाइए D2 में क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू 1000%, यानी कि 1000 के बराबर यानी 1000 के लमसम और 1000 से कम, इतने लोग जो जिस प्लेस पे आते हैं और जहाँ पर आपका असेंबली वगैरह लगता है और वहाँ चले जाते हैं, जैसे कि आपका ड्रामा हाउस हो सकता है जहाँ पर लोग आते हैं, कुछ चल रहा है प्रोग्राम रात का 11 बजे 12 बजे तक लोग वहाँ पर हजारों के तादाद में आए हैं, 700-800 के आसपास आए हैं, तो वो 1000 के आसपास आते हैं तो वो आपका D2 में काउंटेबल होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो थर्ड आया आपका डांस 3 में, डांस क्लब में, डांस में वो 300% जब आते हैं वो डांस में आते हैं क्लब्स वगैरह में, और लेक्चर लाइब्रेरी जहाँ चलता है वो वहाँ पर 300% के आसपास वहाँ आते हैं, और 300 से अधिक और 1000 के बीच में आते हैं वो 300 वो D3 में काउंटेबल होता है। साथ ही साथ अब D4 के बारे में बात करते हैं कि D4 में लेस देन इक्वल टू 300%, मतलब 300% उसमें रहेंगे और 300% से उसमें काउंटेबल किया जाएगा, 300% के आसपास उसमें
होंगे, जैसे कि 300 परसेंट में क्या हो सकता है कि आपका थिएटर वगैरह, सिनेमा हॉल, ठीक है, ये सब प्लेसेस पे लोग आएंगे, और 300 के आसपास जो आपका सीटेस वगैरह होगा वो सीट आपका काउंटेबल होगा कि ये 200 से 300 सीटेस होगा, तो वो 250 के आसपास सीट होगा, तो वो सीट पे आएंगे, मूवीज वगैरह देखेंगे, फिर वो आपका थिएटर वगैरह में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर चले जाएंगे, ये आपका D4 में काउंटेबल होता है। फिर है आउटडोर असेंबली ऑफ पीपल्स, जितने भी आउटडोर असेंबली पीपल्स में जो होता है ये आपका ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत ही लगते हैं, और लोग वहाँ पर ग्राम में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं किसी पेड़ के नीचे, या फिर किसी भी आपका किसी के घर के आसपास कोई बड़ा सा मैदान, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और लमसम 150-200 आदमी के आसपास उस जगह पर पहुँचते हैं, मैक्सिमम मतलब कि 300 से कम के आसपास वहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं, और उस जगह पर असेंबली लगाया जाता है, और वहाँ पर जो भी आप उसके प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसको सुनाया जाता है, वहाँ पर भी निर्णय लिया जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो उस जगह पर हम लोग आउटडोर असेंबली उसको हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपका बिजनेस बिल्डिंग, तो बिजनेस बिल्डिंग में आपका कौन कौन सा बिल्डिंग काउंटेबल होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि बहुत सारे बिल्डिंग में ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आप कुछ वहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, फिर कुछ देर रखाएगा, फिर बात होगा, वो बिजनेस पर्पस पे बहुत सारे काम होते हैं, और वो जो लगातार उस बिल्डिंग को बिजनेस के पर्पस पे चल रहा है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग कहते हैं। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट है आपका कीपिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स पर्चे ट्रेजरी वगैरह होता है और जितनी भी आपका रिकॉर्ड्स वगैरह रखा जाता है उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपका प्रोडक्ट आपका ये इम्पोर्टेंस कागज वगैरह रिकॉर्ड वगैरह आपका किसी एक ऐसे प्लेस पर रखा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पर रखा जाता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं आपका बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस के साथ में आपका और भी आते हैं, नेक्स्ट है आपका बार्बर शॉप, जहाँ पर लोग 1,000 या 500 कहीं 200 कहीं 100 कहीं 50 के आसपास वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बार्बर शॉप पे अपना कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं, फिर वो वहाँ से चले आते हैं। साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर हो गया, ये सब आपका बिजनेस बिल्डिंग के उस बिल्डिंग में आप आएंगे, फिर वो पार्लर वगैरह होगा, यूज होगा, फिर वो फिर चले जाएंगे, तो उसको हम लोग बिल्डिंग जो पार्लर के लिए इस्तेमाल किया गया है उस प्लेस को, उस हाउस को हम लोग क्या कहेंगे कि बिजनेस बिल्डिंग, इसको बिजनेस बिल्डिंग बोलेंगे। साथ ही साथ आपका लंच काउंटर, जहाँ पर दोपहर का भोजन कराया जाता है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे कि आपका सुबह नाश्ता शाम का कोई भोजन नहीं बनता है, सिर्फ दोपहर के लिए वहाँ पर अच्छे से फैसिलिटी दिया प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर लोग बहुत सारे तादाद में पहुँचते हैं, वहाँ पर भोजन वगैरह करते हैं, भोजन करने के बाद फिर वो चले जाते हैं अपने अपने फिर काम को। फिर है स्टोर मार्केट, जहाँ पर बिजनेस पर्पज़ के लिए वो ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर स्टोरेज के लिए प्रोडक्ट रखा जाता है, और साथ ही साथ वहाँ से फिर दूसरी जगह प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया जाता है, स्टोर के तौर पर जो रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मार्केटमेंट बिल्डिंग, ठीक है, तो मार्केटमेंट बिल्डिंग में आपका नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो मार्केट में आपको ही पता है कि मार्केटमेंट बिल्डिंग में क्या होता है, कि मार्केटमेंट बिल्डिंग में शॉप वगैरह भी आते हैं, जो दुकान वगैरह होते हैं उसका मार्केटमेंट बिल्डिंग में होते हैं, साथ ही साथ ऑफिस वगैरह ये आपका मार्केटमेंट बिल्डिंग में ही काउंटेबल होता है, ठीक है। कुछ कुछ कहीं कहीं आप देखेंगे कि सुबह में आएंगे लोग वहाँ पर कुछ ऑफिस वगैरह खुले हैं फिर वो फिर चले जाते हैं, तो वो आपका मार्केट में ही आपका ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड अगर कर रखे हों तो वो मार्केटमेंट बिल्डिंग में ही काउंटेबल होता है। फिर साथ ही साथ आपका स्टोरेज, ठीक है, आप भी जानते हैं स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज के बारे में आप भी जानते हैं, डिस्कस किए थे कि कोल्ड स्टोरेज आपका ये जो प्रोडक्ट हम जो मतलब जो भी इस्तेमाल जो भी मेरा प्रोडक्ट कहीं से भी आता है उसको पहले एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपका वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, ट्रांजिट साइट्स, आपका स्टोरेज बिल्डिंग, ट्रक आपका, ये सब में आपका उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है।
फिर आपका मार्केट, तो आपको पता ही है कि मार्केट क्या है, मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर अपने जरूरतमंद, मतलब जिस जरूरत की जो आप सामग्री है वहाँ पर हम लोग वहाँ से लाते हैं, और लाने के बाद जहाँ से हमको मिलता है वहाँ से हम लोग वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं, कुछ पैसा देकर वहाँ से खरीद सकते हैं, उसी को हम लोग मार्केट कहते हैं। अब आज ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो इंडस्ट्रियल में आपको पता है कि क्या होता है, इंडस्ट्रियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जनरली जो प्रोडक्ट का फैब्रिकेशन गया होता है, यानी कि जहां पर प्रोडक्ट का निर्माण गया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स वगैरह भी उसमें रहता है, जैसे कि आपका कोई प्लांट्स वगैरह है लगा हुआ है, जैसे कि आपका शेल हुआ, भेल हुआ, ये सब आपका इंडस्ट्रियल हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल नाम से ही पता चल रहा है कि वो कुछ इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस प्लेस को हम लोग उस बिल्डिंग को, जितने भी बिल्डिंग का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। स्पीड है आपका स्मोक हाउस, ठीक है। स्मोक हाउस जहाँ पर आप धुआं वगैरह, मतलब कि भाप वगैरह का काम होता है, ठीक है, वो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर आपका गैसेस वगैरह ऐसे इंडस्ट्री पर्पस पे वहाँ से निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मोक हाउस, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि धुआं वगैरह ज़्यादातर निकलता है, ठीक है, उस हाउस को क्या बोलते हैं, जैसे चिमनी वगैरह हो गया, तो सबको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्मोक हाउस, इंडस्ट्रियल में ही ज़्यादातर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ही आप देखे होंगे कि वहाँ पर चिमनी लगाया गया है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे प्लेस तक निकाला जाता है ताकि उस वहाँ से धुआं ऊपर की ओर डायरेक्ट चला जाए, नीचे ना आए, ठीक है। तो जो आपका इंडस्ट्री के, मतलब वो जो स्मोक हाउस बनाया जाता है वो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, इसीलिए उसका काउंटेबल जो होगा वो आपका असेंबली इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होगा, ठीक है। फिर है आपका गैस प्लांट, गैस प्लांट के बारे में आपका नाम सुनते ही पता चल रहा कि गैस का जहाँ प्लांट वगैरह लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे गैस प्लांट, ठीक है। तो गैस प्लांट में वो इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और वहाँ से इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, साथ गैस के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैस को स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पर गैस का निर्माण होता है, बहुत सारा पैकेजिंग होता है, यानी कि गैस के सिलेंडर वगैरह से वो भराया जाता है। ऐसा नहीं है कि गैस के कहा जाए तो वो सिलेंडर सिर्फ जो ऑक्सीजन के लिए हम लोग, मतलब गैस के लिए LPG जो वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं वो ही नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कुछ सिलेंडर वगैरह जो आपका मेडिकल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है, कुछ गैसेस वगैरह का कटिंग वगैरह करने के लिए, हाइड्रोजन वगैरह का, ये सब गैसेस का इस्तेमाल के लिए वो प्लांट्स वगैरह बनाया जाता है, उस प्लांट्स में हम लोग करते हैं। फिर है रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी बिल्डिंग, तो रिफाइनरीज बिल्डिंग में क्या होता है कि जहाँ रिफाइन किया जाता है, बिल्डिंग के अंदर में जो आपका ऑयल्स वगैरह हो, या फिर आपका ऑयल्स और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का हम लोग यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनरीज बिल्डिंग्स, ठीक है। अब आपका आ जाता है सॉ मिल, जहाँ पर आरा मशीन, ठीक है, ये इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप टिम्बर हाउस बहुत जगह देखे होंगे कि यहाँ पर टिम्बर हाउस में आते हैं लोग, यहाँ से टिम्बर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े टिम्बर आते हैं, यहाँ पर कटिंग होकर छोटे छोटे पीसेस में आपका ये इस्तेमाल कर और कटिंग करके फिर वो सीजनिंग वगैरह के लिए प्रोवाइड भेज दिया जाता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए भेज दिया जाता है, और हम लोग उसका करते हैं। फिर टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल में क्या होता है कि जितने भी कूड़े कचरे वगैरह जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि
ये इकट्ठा करके फिर उसको एक छोटे से आपका बाइक पैकेजिंग टाइप का उसको कर देते हैं और उसको बाहर ले जाकर डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको हम लोग भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। फिर आप आ जाइए स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग में आप प्रीवियस में आप डिस्कस किए थे कि वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, आपका फर्स्ट डिपॉजिट, आपका ट्रांजिट सेट्स, आपका स्टोर हाउस, ये सब वगैरह, आपका ट्रक्स एंड मेराइन टर्मिनल्स वगैरह, ये सब आपका जो पर्पस पे किया जाता है, जैसे गैराज, ठीक है, ये सब का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज बिल्डिंग्स, ठीक है। स्टोरेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप हैजार्डस के बारे में लास्ट टॉपिक है हैजार्डस बिल्डिंग, तो हैजार्डस बिल्डिंग के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जान लेना चाहिए क्या होता है हैजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। तो हैजार्डस बिल्डिंग होता है कि हम लोग हैजार्डस बिल्डिंग का इस्तेमाल, मतलब हैजार्डस बिल्डिंग में हम लोग देखते हैं और हैजार्डस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। हैजार्डस बिल्डिंग में होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, जितने भी हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है वहाँ पर बनाया जाता है। उस प्लेस पे क्या होता है कि हाईली उसको बनाया जाता है, उस मटेरियल को वहाँ बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोसेस है डिफरेंट टाइप्स का, और जो वो आपका बिल्डिंग है वो बहुत ही आपका बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। उसका जो वॉल होगा वो डिफरेंट मटेरियल से बना होगा, हो सकता है कि जो हम लोग ब्रिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कुछ हाई आपका स्टोन वगैरह करेंगे और ऐसा करेंगे जो केमिकल से रिएक्शन बहुत कम हो, वहाँ पर टाइल्स मार्बल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि वहाँ पर जो कोई भी अगर केमिकल वगैरह गिर जाएगा तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर गैसेस वगैरह निकल सकता है जिसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आपका है पॉइजन्स फ्रेम, तो आपको पता है कि जहाँ पर आपका जहरीला चीज़ है वो आपका उसको रखा जाता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं हैजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। हाईली कंप्रेसिव, ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिव क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपका कोई कुछ भी ऐसा पदार्थ जहाँ पर आपको कुछ जलने से बचाया जाए उस तरह सा हम लोग वहाँ पर करते हैं। आपका टॉक्सिक वगैरह, ठीक है, तो टॉक्सिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टॉक्स जो भी है कि उसमें कोई जहरीला कुछ ना हो। जहरीला कोई विषैला चीज जिस प्लेस पे हम लोग रखते हैं, ठीक है, वो उस प्लेस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उस प्लेस को बनाया जाता है और बनाकर हम लोग उसको हम लोग बिल्डिंग में सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हम लोग रखने के लिए वहाँ पर करते हैं, उस बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उस बिल्डिंग को हम लोग हैजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। अब आपका लास्ट और अंतिम टॉपिक है कि एसिड और अदर केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी आपका एसिड वगैरह होगा, ठीक है, यानी कि वो अभी डाइल्यूट नहीं किया हुआ है, वो आपका प्योर हो, तो वो हम लोग जहाँ पर रखते हैं केमिकल को, ठीक है, केमिकल वगैरह होता है, कुछ एसिड वगैरह होता है वहाँ पर रखते हैं। उस प्लेस पे रखने के बाद फिर हम लोग मतलब उसी प्लेस पे रखा जाता है, और जैसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में भी आपका वो एरिया होगा जहाँ पर आप जो आपका केमिकल्स वगैरह रखा होगा उधर लोग नहीं जाते होंगे, उधर जाने नहीं दिया जाता होगा, और उसको जब तक डाइल्यूट नहीं किया जाता तब तक लोगों को नहीं दिया जाता है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है लोगों को। तो इसीलिए हम लोग उसको हम लोग जो इस बिल्डिंग के लिए निर्माण जो होता है वो मोटा मोटा होता है, मतलब अच्छे उसका जो ब्रिक वॉल का जो लेंथ होता है मतलब उसका अधिक होता है, और उसका जो विड्थ होता है वो भी अधिक होता है, अकॉर्डिंग टू जो जनरल आपका हाउसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपका सीमेंट्स और सीमेंट्स हो गया, फिर आपका कोई मटेरियल्स हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ये सब में आपका और भी डिफरेंट डिफरेंट एडमिक्सर्स वगैरह को मिक्स करके तब इसको
बहुत ही मजबूत बनाया जाता है ताकि इसमें से कोई भी केमिकल, कोई भी गैसेस या फिर कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल से उसमें कोई भी रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक आज हम लोग यही इन करते हैं। स्टे होम स्टे लाइफ बाय सिल्ली पॉलिटेक्निक। थैंक यू।